सांप तो बहुत देखा है हम लोगों ने, पर पुराणों में इस बात की कहानी है कि पहली बार सांप कहां से आए थे। ये ऋषि कश्यप की पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था कद्रु और दूसरी पत्नी का नाम था विंता। एक दिन ऋषि कश्यप ने कहा, आप लोग मांगिए आपको क्या वरदान मांगना है। वरदान में कद्रु ने 100 अंडे मांगे जो बहुत शक्तिशाली हो और जिनमें विष हो। विंता ने बोला, भले मुझे कम बच्चे दीजिए लेकिन कद्रु के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली बच्चे चाहिए। ये जो 100 अंडे थे छोटे छोटे, ये एक एक करके फूटने लग गए। जब इनका वक्त आया उसमें से अलग अलग नाग निकलना शुरू हुआ। उसी में से एक नाग है वासुकी, जो शिव जी के गर्दन में होता है। विंता जो थी कद्रु की बहन, वो आदिर होने लग गई और जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने 2 अंडों में से एक अंडे को फोड़ दिया। अंडे से जो बच्चा निकला उसका ऊपर का आधा बॉडी बना था और नीचे का आधा बॉडी अभी बन रहा था, लेकिन समय के पहले अंडे फोड़ देने के कारण ये अपाहिज रह गया। जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से जो चीज निकली वो था गरुड़। गरुड़ कौन? गरुड़ है विष्णु जी के वाहन और जो सूर्य देव के 7 घोड़े हैं उनका जो रथ है, उस रथ का सारथी जो है वो विष्णु के वाहन गरुड़ का भाई अरुण है। और कद्रु सारे सांप और विंता के बेटे, मतलब गरुण और अरुण, ये दोनों 2 बहनों के बच्चे हैं और इनमें बहुत ज्यादा दुश्मनी भी है।